आज गढ़वा जेल में छापेमारी हुई। हम गढ़वा जेल पर हैं। उपायुक्त शेखर जमुआर के नेतृत्व में सभी अधिकारी जेल में पहुंचे, दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद रहे, सबकी मौजूदगी में छापेमारी हुई। उस छापेमारी में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे और सारे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ छापेमारी, घंटों छापेमारी हुई। अहले सुबह पूरी प्रशासनिक टीम जेल में पहुंची थी और घंटों छापेमारी हुई। सभी सेल को खंगाला गया, सभी जांच किया गया। उसके बाद चारों तरफ जेल में जहां भी कुछ संदेह था, जो इनपुट था, उस इनपुट के अनुसार छापेमारी हुई। अमूमन जेल में छापेमारी होती रहती है। अभी राज्य में आपने देखा है कई तरह से घटनाएं घटी हैं। जेल में अपराधी अमन सिंह की हत्या हुई है। उसी घटना के साथ साथ कई इनपुट मिलते हैं अधिकारियों को, सब इनपुट के बाद छापेमारी होती है। आज भी छापेमारी हुई। उस छापेमारी में क्या पाया गया, इसे बताने से सभी अधिकारियों ने परहेज किया। आपको हम सीधे तस्वीर दिखाते हैं कि सबसे पहले पुलिसकर्मी जो जेल में अधिकारियों के साथ मौजूद थे वह निकले, अभी निकल रहे हैं पुलिसकर्मी जो जेल में अधिकारियों के साथ छापेमारी में शामिल थे। उसके बाद अधिकारी उपायुक्त की गाड़ी को आप देख रहे हैं, अंदर से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर सभी अधिकारी बाहर निकले, पुलिस अधीक्षक निकले, उनके साथ जो भी अधीनस्थ अधिकारी जेल में पहुंचे थे छापेमारी को लेकर, सभी जेल से बाहर निकले, छापेमारी खत्म हो गई। अगले सुबह से तकरीबन 3 से 4 घंटे तक छापेमारी जेल में चली। इतनी लंबी छापेमारी चली, लेकिन उस छापेमारी में क्या पाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कुछ आपत्तिजनक सामान पाया गया या कुछ भी बरामद हुआ, उसे बताने को लेकर के अधिकारी द्वारा परहेज किया गया। हो सकता है कि छापेमारी खत्म हो गई उसके बाद प्रेस वार्ता कर जानकारी दी जाए कि क्या जेल में बरामद हुआ, लेकिन होता यही आया है अब तक कि जेल में छापेमारी के बाद अधिकारी जेल गेट से बाहर आते थे तो प्रेस को बताते थे कि हमने जेल में छापेमारी की तो यह पाया गया, या जेल में छापेमारी के बाद कुछ नहीं पाया गया, कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, लेकिन कुछ भी बताने से अधिकारी द्वारा परहेज किया गया। अब देखना यह होगा कि कब तक इस छापेमारी के बाबत प्रेस को जानकारी दी जाती है कि घंटों चली छापेमारी में आखिर क्या पाया गया कि कुछ नहीं मिला, यह देखना जरूरी होगा। एक बार और हम बता दें कि गढ़वा जेल शुरू से अति संवेदनशील जेल रहा है। इसमें नक्सल प्रभावित जिस तरह जब जिला था उस वक्त से लेकर के नक्सली इसमें बंद हैं, आपराधिक जिला भी है, आपराधी भी इसमें बंद हैं। कई बार इनपुट प्रशासन को मिलते रहता है, कुछ ऐसा ही इनपुट मिला होगा तब जाकर के यह छापेमारी हुई है। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।